केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। बीते 24 मार्च को साहिबगंज मनिहारी गंगा में हुए मालवाहक जहाज दुर्घटना में अभी तक लापता महागामा के युवक परवेज आलम के परिजनों से महागामा विधायक दीपिका पांडे से मिले और परिजनों को संतावना देते हुए हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। मालूम हो कि जहाज दुर्घटना में महागामा प्रखंड क्षेत्र के असोता निवासी मंजूर आलम का 25 वर्षीय पुत्र परवेज आलम लापता हो गए थे और गनीमत रही थी कि उनका साथी खलासी इस घटना में किसी तरह बच गए थे। वहीं घटना की सूचना परिवार वालों को मिलने के बाद परवेज का परिजन रोते बिलखते घटना स्थल पर पहुंचे थे। घटना के लगभग 6 घंटे बाद शव पता लगाने के लिए एनडीआरएफ की टीम प्रयासरत थी। हालांकि दूसरे दिन कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ टीम दो शवों का खोज कर सकी थी, लेकिन उनमें से प्रवेश का शव नहीं मिल सका था। प्रवेश के पिता परिवार वाले के साथ अपने लाल को पाने के लिए 3 दिन तक आंख में आंसू लिए गंगा तट पर टकटकी लगाए बैठे रहे, लेकिन पता नहीं चल सका और आखिर में अपने लाल को खोया पिता मायूस होकर घर लौट गया। हालांकि एनडीआरएफ की टीम शव का पता लगाने के लिए प्रयासरत रहे, लेकिन प्रवेश का शव का पता नहीं चल सका है। वहीं सोमवार देर शाम महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह प्रवेश के परिजनों से मिलने के बाद दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वह और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं मंत्री आलमगीर आलम भी इस घटना को लेकर प्रयासरत रहे हैं। साथ ही प्रवेश की शव को खोजने के लिए एनडीआरएफ की टीम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इतना दिन गुजरने के बाद कुछ अच्छा अंदेशा नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आश्रित परिवार को 10 लाख रुपए एवं परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि गलत तरीके से रात में जहाज को चलाया जा रहा था, इस आपदा में प्रशासन लीपापोती ना करे और वाजिब हक दिया जाए और हमारी मांग को पूरा किया जाए। असौता गांव के हम लोगों के भाई परवेज आलम जी मनिहारी में जो घटना हुई उस समय से मिसिंग है। उनके साथ जो उस ट्रक में और ना स्टीमर में थे वो साथ में हैं। उनको पता नहीं कैसे वो बचकर निकल आए, लेकिन परवेज आलम जी के खोज के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी और आदरणीय आलमगीर आलम जी भी लगातार इसमें प्रयासरत हैं। इतना समय बीत जाने के बाद कुछ अच्छा अंदेशा तो नहीं है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करती हूँ कि हमारे इस असौता गांव के इस भाई को के परिवार को 10 लाख रुपया मुआवजा और साथ ही साथ उनके आश्रित को एक सरकारी नौकरी दिलाई जाए और जो भी प्रक्रिया है, क्योंकि इस तरह की आपदा हुई है और इलीगल तरीके से वो जहाज चलाया जा रहा था, रात के समय चल रहा था, तो कहीं प्रशासन इस पर लीपापोती करके उनका जो वाजिब हक है उसको खत्म ना करें और हम लोगों के इस मांग को पूरा किया जाए। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तुम का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।